हाय एवरीवन, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ग्रीन आई मेकअप लुक, जिसे आप ग्रीन ड्रेस पे भी कैरी कर सकते हैं या फिर अगर आप मेहंदी ब्राइड हैं तो भी आप इस आई मेकअप लुक को क्रिएट कर सकती हैं। और इसे मैंने बहुत ही सिंपल वे में मैंने बताया है, और जिन्हें हैवी आई मेकअप लुक बिल्कुल पसंद नहीं है वो ये वाला आई मेकअप लुक जरूर क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं हूँ अमरीन और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है और फिर इस एंगल ब्रश की हेल्प से मैं ये दोनों कलर ले रही हूँ, डार्क ब्राउन और थोड़ा सा ब्लैक कलर को मिक्स करके मैं अपने आईब्रो को फिल करूंगी। तो आईब्रो को फिल करने के लिए पहले मैं ऊपर की लाइनिंग को अच्छे से लाइन क्रिएट कर रही हूँ और फिर नीचे भी एक लाइनिंग क्रिएट करूंगी इस तरह से। और आईब्रो को बहुत ही लाइट फिल करना है, बिल्कुल डार्क नहीं कर देना है वरना वो हार्श लुक देगा। और जहां जहां पे हमें खाली जगह मिल रहा था वहां वहां पे मैंने अच्छे से फील, तो इस तरह से मैं अच्छे से फील कर दे रही हूँ। और उसके बाद मैं इस पूरी ब्रश की हेल्प से इसे कॉम भी कर दूंगी। उसके बाद जी मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, और कंसीलर मैं सिर्फ आईलेड पे ही लगाऊंगी और फोरहेड पे, बाकी का मैं मेकअप बाद में करती हूँ, पहले मैं आई मेकअप करूंगी। कोई भी आप मेकअप करें आई मेकअप, तो आप पहले आई मेकअप कर ले, इससे बहुत इजी रहता है बेस मेकअप करना। सो इस तरह से मैंने ब्लेंड करके उसे ऊपर से मैं पाउडर से सेट कर दे रही हूँ। उसके बाद ये ब्राउन, लाइट ब्राउन शेड है और ये थोड़ा मरून टाइप पे शेड है, तो आप इन दोनों, आपके पैलेट में जो भी पैलेट हो आपके पास उसमें से ये दोनों कलर लेके मिक्स करके आपको ट्रांजिशन शेड यूज करना है। तो मैं ट्रांजिशन एरिया पे लगा रही हूँ। और उसे अच्छे से मैं ब्लेंड भी कर रही हूँ, और ब्रश को बिल्कुल लाइट हैंड से पकड़ना है। उसके बाद में मैंने फिर से थोड़ा सा और कलर लिया है और थोड़ा सा जहाँ पे ट्रांजिशन शेड लगाया था उसके जस्ट नीचे जहाँ पे हमारी क्रीज कट हो रही है वहीं पे मैं लगा रही हूँ कलर को लेके थोड़ा थोड़ा, ताकि वो एरिया थोड़ा सा हमारा डार्क हो सके। और फिर सारे कलर को अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया है। और इसके बाद जहाँ पे हमारी लाइनिंग पड़ रही है आंखें खोलने पर, तो उसके अंदर ही रखेंगे हम ब्लैक शेड, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए वरना वो अच्छा लुक नहीं देगा। तो इस तरह से ब्लैक शेडो लेकर हल्का सा, बिल्कुल ब्रश पे बहुत ही हल्का सा ब्लैक शेडो एंड डार्क ब्राउन शेड दोनों को मिक्स करके मैं लगा रही हूँ। आप चाहे तो सिर्फ ब्लैक शेड भी ले सकते हैं, पर मैं डार्क ब्राउन को हल्का सा ब्लैक के साथ मिक्स करके और फिर अप्लाई कर रही हूँ। और फिर से मैंने थोड़ा सा और ब्लैक शेड लिया है और इस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ। जहां पे हमारी क्रीज कट हो रही थी उसके अंदर ही रखना है, उसके बाहर नहीं लेके जाना है। और इसके बाद उसके एजेस को मैं ब्लेंड कर दूंगी फ्लफी ब्रश की हेल्प से, कोई एजेस नहीं दिखनी चाहिए। उसके बाद मैं कट क्रीज कर रही हूँ, तो मेरी हुडेड आईज है, तो इस तरह से मैंने आंखों पे कंसीलर रखा मिडिल पार्ट पे और मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मेरी गाइडलाइन मुझे मिल गई, ताकि मुझे पता चल गया कि मुझे वहां तक अपनी कट क्रीज बनानी है। तो इस तरह से मैंने कट क्रीज, हाफ कट क्रीज बना ली है। उसके बाद आपकी ड्रेस का जो भी कलर है, अगर ग्रीन है तो आप ग्रीन अप्लाई कर ले, या फिर अगर आपके ड्रेस का जो भी कलर है तो आप वो कलर अप्लाई कर ले। तो इस तरह से मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से अच्छे से मैं अप्लाई कर दे रही हूँ। और उसके बाद फिर से मैं थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ, जिसके एजेस को मैं ब्लेंड कर दूंगी, बिल्कुल कलर पता नहीं चलना चाहिए कि कहाँ से शुरू है और कहाँ पे खत्म हुआ है। उसके बाद जी मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, लाइनर मैं जेल लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, स्विस ब्यूटी का है ये।
इस तरह से जिस तरह की हमारी आई की शेप है उसी तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया और हल्का सा मैं विंग भी अप्लाई करूंगी। इस तरह से मैं विंग को निकाल रही हूँ और इस तरह से अच्छे से फील कर दे रही हूँ। आपकी मर्जी, चाहे आप कितना भी विंग को लंबा कर सकते हैं। और उसके बाद बाकी जगह पे मैंने अच्छे से फाउंडेशन को लगाया और उसे अच्छे से ब्लेंड करके पाउडर से सेट कर दिया है। उसके बाद जी मैं मेवलिन का काजल यूज कर रही हूँ और काजल को थोड़ा सा मोटा करके अप्लाई करना है इस तरह से। और जहां जहां पे खाली जगह है वहां पे मैं अच्छे से फील कर दूंगी। आप चाहे तो इसकी जगह आप लगा सकते हैं व्हाइट काजल। उसके बाद मैं ब्राउन शेड ले रही हूँ, छोटे से ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से लोअर लैश लाइन पे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद ये मैं लोकल मार्केट से ली थी 5D मस्कारा आईलेश है, तो उसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो पहले मैं अच्छे से आईलेश को मस्कारा लगा दे रही हूँ। मस्कारा भी मैंने मेबलिन का ही यूज किया था। उसके बाद मैं आईलेश को इस तरह से मिडिल पार्ट पे रखी हूँ एंड साइड के कॉर्नर से इस तरह से प्रेस की एंड इनर के कॉर्नर से इस तरह से मैं प्रेस कर रही हूँ। सो दिस इज माई फाइनल लुक। आई होप गाइस आपको मेरे ये लुक पसंद आया होगा और अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।